यूट्यूब और फेसबुक के साथ मैं हूँ नीरव गुलजार। आप देख रहे हैं डीएमएम। आज हम आपको सैर कराएंगे मानसरा के कई इलाके तहसील भोपाल मौजा कलाड़े। कलाड़े इंतहाई खूबसूरत मकाम है और टंगाई पहाड़ है, इसमें दरख्त इजाफा करते हैं। गुज़श्ता रोज इस पे हमारे दोस्त सफीर खान ने प्रोग्राम बनाया कि कुछ देर के लिए हम मानसरा कालीचरा से निकले और सीधे वापस आते हुए ट्रैक आता है पैदल स्पेशल पहाड़ के तकरीबन सेंटर में हम पहुंचे और टंगलाई के जंगलात में वहाँ एक छोटा सा हाट बनाया हुआ हमारे मुमताज कानूनदान इरशाद मोहम्मद खान, उस तक जाने के लिए हमने वहाँ पे प्रोग्राम तरतीब किया। हमारे साथ पैदल ट्रैक चलते चलते झाड़ियों में पहाड़ों में बड़ा मजा आया, बड़ा रास्ते में पानी पीते तकरीबन एक घंटे के पैदल सफर के बाद हम पहुंचे। वहाँ पे जोर की नमाज भी अदा की और देर के लिए गपशप लगाई। वहाँ पे हमारी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसको साईं साईं कहते हैं। गुज़श्ता 5-6 सालों से ईरान से दुनिया में गुजर बसर कर रहा है। जब उनसे मिले खालिद साईं। खालिद साईं कितने अरसे तो खालिद साईं थे? तकरीबन 5 साल हो गए। ते कल दे दे डरदे शरदे ना? ना जी के डर है हला है। अच्छा ते तुसा सुन मतलब है थे बिल्कुल पुरफजा मुकाम है, कोई है शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, सुकून है, सुकून है, देखो बीमारियां दी शफा है, बीमारियां दी शफा लाके ते के आते हो आपने देखने वाले को सुकून हासिल करना से थाने चाहिए आना चाहिए सुकून जो हासिल कर दे इस जगह पे बिल्कुल दुनिया तो हट काट के हट के दुनिया छोड़ के दुनियादारी छोड़ के आ नाल ना आने अल्लाह दे आसरे अल्लाह फिर देखो अल्लाह उसकी क्या मदद कर दे अल्लाह जी कर दे ना दे सफीर खान जंगल में मंगल है डीएम साहब जी सफीर खान बड़ा जबरदस्त मैसेज देते हैं ना सुन क्या आते जी ये सर बड़े मुंह के अल्फाज सारे साईं साहब करके दे अच्छा बस तेने बल अक्सर खान रहे हैं दोस्त मुखलिस ने जाए ते बड़ी प्यारी पुरफजा मकाम है थाने वाकई गले जिन सुकून में जुते एक टेंशन को तला जिया सस्ते सिटी दे जरे माहौल इन बाजार दे सिस्टम शोर शराबा एक बहुत जिन तो हट गए वाकई था बहुत एक मजा एंटरटेनमेंट मजा आना बिल्कुल जी एंटरटेनमेंट से वक्त भी थोड़ा लगता है इधर आओ जी ये ना तो सुना साजिद भाई क्या आते हो तुम आज था आए हो नाम काम है बड़ा जबरदस्त है अच्छा नाजरीन यहाँ पे दरख्त है, सब्जा है, पानी है और बहुत अच्छी खूबसूरती है। टेम्परेचर भी यहाँ का बहुत ही माकूल है। आप अगर गर्मी में भी आएंगे तो यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। बहुत खूबसूरत इलाका है और सबसे बढ़कर ये कि जब यहाँ आप आते हैं तो मानसरा बिल्कुल आप बच्चों के साथ आए, पुरमन भी है, पुरमजा भी है, महफूज भी है, सिक्योरिटी के अतबार से हाथ से हाथ से की जगह जो है बहुत खूबसूरत है। आज के साथियों के साथ यहाँ आया मुझे बड़ा मज़ा आया। इस बात की है कि इस इलाके को सेहत के लिए प्रमोट किया जाए, सड़क की जरूरत है, सड़क को पुख्ता किया जाए, कच्ची सड़क ट्रैक निकाला जाए तो वहाँ का दर्जा हरारत भी एक बेहतरीन है। मानसरा का व्यू भी आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत है कि मैदानी इलाका बहुत नजर आता है, बड़ा खूबसूरत हरान का गांव के लिए तो आदमी जब जाता है तो दिन सर्फ होता है लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे आप तकरीबन आधे पौने घंटे के ड्राइविंग के बाद पहुँच जाते हैं और वहाँ का दर्जा हालत भी बहुत बेहतर है। तो इस इलाके को प्रमोट करने की जरूरत है। वैसे भी मानसरा कुदरत काजियों का शाहकार है और तारीख के औराक में देखा जाए तो मानसरा जो अल्लाह ताला ने इस खत्ते को सब बख्शा है, यहाँ पे मैदान है, पहाड़ है, चीज़ें हैं और आधे जगह आप देख सकते हैं कि आपने तरानाइयों से इस इलाके को रास्ता किया हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पे आज साल कसी तादाद में से आते हैं लेकिन एस्कॉर्टी के पास अभी प्रॉब्लम है और लोग भी और कुछ इलाके हैं सामना करने वाले लोग हैं, इसलिए इस इलाके को सेहत के टूरिज्म को प्रमोट देने के लिए याद फराम की जाए तो मेरा ख्याल है हजारों में इलाकों खानदान यहाँ से बरसरे रोजगार भी हो सकते हैं, मईशत में भी इजाफा होता है और जरिया इनकम
रकम जो है ना वो भी बढ़ेगी। तो इस खत्ते में बहुत सारी सहूलियात नहीं है जिनको पूरा करने। चले नाज़रीन, आज हम आपको यहीं तक गुजारे कराए। नेक्स्ट टाइम फिर अल्लाह ताला ने जिंदगी की